पूरनपुर के ग्राम संभुआ में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य कैंप मेला लगाया गया, जिसके मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजू मिश्रा, पूरनपुर विधायक बापूराम पासवान आदि लोग मौजूद रहे, जिसमें किसान भाइयों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बारे में समझाया कि विधायक और बाबूराम पासवान ने बहुत सारी जानकारी दी। आप देख सकते हैं प्राइम मेकिंग न्यूज चैनल के धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। पीलीभीत से। सर, आप किस उद्देश्य आए यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय आरोग्य पशु मेला का जो यहाँ पर जानकारी सरकार द्वारा दी जा रही है जी, और हमारा आपका पूरी सरकार का ये मंशा है कि यहाँ पर अच्छे जो है पशु पाले जाए, गाय, और जो दूध की कमी है, क्योंकि जो पुरानी संस्कृति में ये भारत था और उस टाइम यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी। आज धीरे धीरे जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई, लोगों ने जो दुग्ध उत्पादन के जितने भी जानवर हैं उनसे मोह भंग होता जा रहा है, तो इसमें ये जानकारी देने के लिए और पशुओं को आरोग्य रखने के लिए और अच्छा दूध का उत्पादन हो, जिससे टीकाकरण और जितनी दवाइयां हैं ये आज जो जानकारी दी गई उसके संबंध में जो वार्ता हुई है और जो जितना हुआ है कि जो पर्यावरण द्वारा यहाँ प्रदूषण फैल रहा है। नहीं, आप किसानों के हित में क्या कहना चाहते हैं? पराली फूंकने का आदेश नहीं। पराली वाले में अभी मैंने आप बताया भी, शायद आप रहे होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, पराली एक ऐसी समस्या नहीं है कि जो किसानों से ना हो पाए, लेकिन